हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज देर रात, लेट नाइट क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ हो सकता है, चले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो फोकस आपके पार्टनर पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेयर ज़रूर कर लें कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपकी क्लैरिटी प्रोवाइड करे। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज देर रात, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आपके पार्टनर तो मुझे आज देर रात काफ़ी टेंशन लेते हुए दिखाई दिए हैं। ये तो ऐसा हो सकता है गाइस कि इन्होंने आपको टेंशन दिया था, आपको एंग्जायटी दिया है, आपको डिप्रेशन दिया है, आपको स्लीपलेस नाइट दिया है। ठीक है, आप हर्ट हो, आप दर्द में हो, आप इनकी वजह से दर्द में हो कि ये बात नहीं कर रहे हैं या प्रैक्टिकली होकर कर रहे हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ये जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये तो आप टेंशन में हो। और अगर आप नहीं हो तो ये मुझे काफ़ी टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करना है आपसे, ठीक है, आपसे बात करना है, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कैसे ऑफ़र करें, इनको बहुत टेंशन हो रही है। काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, काफ़ी हफ्तों से सोच रहे हैं, वीक्स से सोच रहे हैं आपको ऑफ़र करें, कांटेक्ट करें, पर इनको बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, कि पता नहीं क्या होगा, आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए हैं, किसी और से तो बातें नहीं कर रहे हो, इनका ये करना राइट होगा कि नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आप दोनों के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन ही नहीं है जो कि ये चाहते हैं कि हो। तो ये करेंगे, ठीक है, मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कभी कांटेक्ट किया था या कॉल टेक्स्ट किया था जिसका रिप्लाई इन्होंने नहीं किया था, ऐसा कुछ हो सकता है, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया। अगर इन्होंने किया है तो इनको रिग्रेट हो रहा है आपके ऑफर को ठुकराने का, रिजेक्ट करने का, क्योंकि अब ये खुद आपको चाहते हैं, आपको बुरी तरह से याद करते हुए दिखाई दिए हैं। और क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स? सेलिब्रेशन चाहिए आपके साथ, यूनियन चाहिए आपके साथ, या तो शादी चाहिए या तो इनको मेमोरी बनाना है, पर हाँ आपका साथ जरूर चाहिए। कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि सबकी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, शादी को लेकर कुछ बात हो सकता है, या तो इनकी फैमिली में बातचीत हो रही है, या तो आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपकी होने जा रही है और ये रियल है, सच है कि आपके लिए देखा जा रहा है, या आपकी शादी फिक्स हुई है या देख रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति रो रहा है, ये नहीं चाहते कि आप किसी और से शादी करो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, कोई और आपकी लाइफ में आए। ठीक है, ये मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दिए हैं कि इनके पास एक मौका था, आप दोनों की शादी हो सकती थी, इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर, क्योंकि अब तो ऐसा है कि आप कोई भाव नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, क्या चाहते हैं ये आपके साथ? तो यूनियन चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैरिज चाहते हैं, कुछ लोग लिए आपके साथ मैरिज चाहिए, कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। ठीक है, इस वजह से ये अब आपके ओर नहीं बढ़ सकते जबकि ये बढ़ना चाहते हैं। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली और अब आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, करना चाहते हैं बुरी तरह से। ठीक है, आपसे लव चाहिए, केयर चाहिए, क्योंकि अब इनको नहीं मिल पा रहा है, जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है ये। ठीक है, वापस से आपके लिए जो इमोशंस था, फीलिंग्स था, वो बाहर आ रही है। ठीक है, जिसको इन्होंने दबा दिया था, कंट्रोल किया था, जो आपके लिए इमोशंस था, फीलिंग्स था या अट्रैक्शन था, उसको अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आपसे लव चाहिए, केयर चाहिए, आपका साथ चाहिए, ड्रीम बन चुके हो इनका। ठीक है,
ये जो व्यक्ति हैं इनका ड्रीम बन चुके हो आप, तो जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। ये कंफ्यूज हो सकते हैं फिर भी जब आपसे बात करेंगे तो कहे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, सिचुएशन कितना मुश्किल हो गया है, अब कितना मुश्किल है चीज़ें तुम्हारे पास आना, पर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? ओके, आपकी ओर बढ़ेंगे ज़रूर जब इनका प्रमोशन हो जाएगा या इन्होंने कुछ अचीव कर लिया होगा, कोई मुकाम हासिल कर लिया होगा, कहीं और रहते हैं, आपसे मिलने को आ रहे हैं, आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, देरी से कर रहे हैं पर कर ज़रूर रहे हैं, देरी से आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं पर कर ज़रूर रहे हैं, तब तक शायद आप में इनके लिए कोई इमोशंस ही नहीं होगा, कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी, आपने मूव ऑन कर लिया होगा, आप आगे बढ़ चुके होंगे। जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, तब उतने नहीं होंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ चुके होंगे, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है।